हाय ऑल, दिस इज विभूति खन्ना फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। डिस्कस आज करना है जो आपका पेपर है 31 मार्च को अकाउंटिंग का। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्लो राइटर्स हैं, जिनसे पेपर कंप्लीट नहीं होता, तो कुछ पॉइंट्स को फॉलो करके शायद वो अपने कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा सकते हैं। तो क्या वो पॉइंट्स है जो मुझे डिस्कस करने हैं? पहली चीज़ तो आपको सीबीएसई फॉर्मेट दे रहा है, फॉर्मेट को बहुत जुडिशली यूज़ करना है। जुडिशली यूज़ करने का मतलब क्या है कि कुछ आपके ब्लैंक पेजेस हैं, कुछ आपके पेजेस ऐसे हैं जिनमें आपको लेगर का फॉर्मेट मिलेगा और कुछ आपका आपको जर्नल को मिलेगा। बच्चे क्या कर रहे हैं, जो मेरे पास भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, कि जो कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें जर्नल और लेजर दोनों बनाने होते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें जर्नल लेजर दोनों बनाने हैं, या तो जुडिशली यूज कीजिए या फिर आप प्लेन पेपर पर कर लीजिए। ऐसा ना हो कि जहां पर जर्नल का फॉर्मेट है वहां पर जर्नल बना दी, दो एंट्रीज करी, उसके बाद आपको लेजर वाले स्पेस पे जाके आपने लेजर बनाया, आधा क्वेश्चन कहाँ आधा क्वेश्चन कहाँ, ये आपको नहीं करना है। दूसरी चीज, आपके जो एमसीक्यूज आ रहे हैं वो एमसीक्यू आपके आ रहे हैं टोटल 16 एमसीक्यू पार्ट ए में, 4 एमसीक्यू पार्ट बी में। एक ही रन में आप वो सारे एमसीक्यू फटाफट डन कीजिएगा, और हाँ, रीडिंग टाइम में उन एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको करके निपटा दीजिएगा। और जैसे पेपर आपको मिलता है, पेपर आते ही फटाफट 20 के 20 एमसीक्यू किए, 20 नंबर आते हैं ना। दूसरी चीज जो मुझे डिस्कस करनी है, टू एंड बाय लिखने की कोई जरूरत नहीं है, उससे भी 5 मिनट्स पूरे पेपर में आप सेव कर सकते हैं। देयर इज नो नीड टू राइट एनी टू और बाय इन लेजर मेकिंग, कोई जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, कोई मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं होंगे, तो डोंट राइट टू एंड बाय, 5 मिनट बचा सकते हो उस चीज के, ठीक है। उसके अलावा एक और टिप है कि आप जो पेन यूज कर रहे हैं, एक ही पेन हाथ में रखिए, कोई जरूरत नहीं है स्केल को यूज करने की, कोई जरूरत नहीं है पेंसिल को यूज करने की फॉर मेकिंग फॉर्मेट जहां आपको बनाना पड़ रहा है। जो हाथ में पेन है बस ब्लू पेन लीजिए और ब्लू पेन से पूरा पेपर सॉल्व करना है, और उसी ब्लू पेन से फॉर्मेट बनाना है। जो फॉर्मेट है हैंड्स और स्केल भी यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत बड़े बड़े फॉर्मेट नहीं बनाने, 4 एंट्री हुई 5 एंट्री हुई, हाथ से आप इतना बना सकते हैं। तो यू हैव टू ड्रॉ लाइन विद हैंड, हैंड से बनाइए फॉर्मेट, जो हाथ में ब्लू पेन है उसी से बनाइए। डोंट चेंज पेन, डोंट यूज पेंसिल, डोंट यूज स्केल, टाइम सेव होता है। उसके अलावा एक चीज और मुझे डिस्कस करनी थी, हाँ, लेफ्ट हैंड साइड आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, पहली बात तो कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन है न्यू पेज से स्टार्ट कीजिएगा। अब आपका फॉर एग्जांपल फॉर्मेट है लेजर का, वहीं पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन करना है, फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप का आपका क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपका लेजर का ही फॉर्मेट बना हुआ है, उसी को एज अ वर्किंग नोट यूज कीजिए, और राइट हैंड साइड पे अपने दोनों लेजर बना लीजिए, जैसे कि आपको रीवैल्यूएशन और कैपिटल। प्रोबेबिलिटी है रीवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट की पूछा जाएगा, बैलेंस शीट की प्रोबेबिलिटी कम है, रीजन बिहाइंड क्योंकि वेटेज है 6 मार्क्स का, तो 6 मार्क्स के वेटेज में, पर मैं ये नहीं बोलूंगी कि बैलेंस शीट नहीं आएगी, बट हाँ, रीवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो एक ही पेज पे आप दोनों चीजें आप बना सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आप उस टाइम पे यूज कीजिए फॉर वर्किंग, क्योंकि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और भी कुछ वर्किंग करनी पड़ सकती है, हिडन गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ सकती है, तो इस चीजों पर फोकस कीजिएगा। और जो भी चीज नई सीबीएसई ने इंक्लूड किया है, लाइक नई क्या इंक्लूड किया, रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल वाले पॉइंट करके जाइएगा, और आपके दो नए रेशो आए थे वो करके जाइएगा, उसे करना मत भूलिएगा क्योंकि वो बुक्स में नहीं है। तो इस तरीके से अपना स्पीड अप पे वर्क करना है, बट हाँ, इतनी भी स्पीड पे वर्क नहीं करना है कि आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाए, बट हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको स्पीड इशू आता है, तो अब आपको जैसे भी है करना है। ऑल द बेस्ट।